हाय, मैं अमित वर्मा, जो फर्स्ट पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, उसकी हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में अपन ने बात किया था कि जो फोटोसिंथेसिस जो क्रिया थी उसमें जो स्टीफन हेल्स ने क्या बताया था फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान, कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया वो CO2 और जल की उपस्थिति में होती है, CO2 और जल की उपस्थिति में होती है। तो स्टीफन हेल्स के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जोसेफ क्रिस्टल ने क्या बताया था कि जो ये पादप होते हैं, जो हरे पादप होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये जो वायुमंडल है उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। किसको शुद्ध करने का, वायुमंडल को शुद्ध करने का, मतलब CO2 को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद अपन एक साइंटिस्ट से बात करें, जिसे साइंटिस्ट थे एफ एफ ब्लेकमैन। ये जो एफ एफ ब्लेकमैन थे, इन्होंने क्या बताया कि जो जैव रासायनिक जो क्रिया है, कौन सी जो जैव रासायनिक जो क्रिया है, ये जो जैव रासायनिक जो क्रिया होती है वो क्या होती है कि इसमें दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। जैव रासायनिक क्रिया होती है क्या, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जैव रासायनिक क्रिया। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, इसमें दो चरण होते हैं, दो स्टेप होते हैं। देखो कौन कौन से, कि जो एक तो होता है लाइट रिएक्शन, कौन सा होता है लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाशित अभिक्रिया होती है, प्रकाशित अभिक्रिया, और एक होती है अप्रकाशित डार्क रिएक्शन, कौन सी होती है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशित अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया अप्रकाशित। इसने बताया एफ एफ ब्लेकमैन ने क्या बताया कि जो जैव रासायनिक क्रिया होती है वो प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार की होती है। तथा ये बताने के बाद इन्होंने क्या दिया, एक सीमाकारी सिद्धांत दिया, सीमाकारी सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्या बताया कि भाई जो अभिक्रिया के अंदर जो कारक सबसे कम होता है, वो ही कारक क्या काम करता है, अभिक्रिया को ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। क्या बताया था इन्होंने कि अभिक्रिया के अंदर जो कारक सबसे कम होता है वही कारक अभिक्रिया को ज़्यादा प्रभावित, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव करने का काम करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान CO2 जो वायुमंडल से ग्रहण की जा रही थी, और जो जल जो जड़ों के द्वारा दिया जा रहा था, और ये सारा इसकी मतलब कौन संपर्क कर रहा था, सनलाइट, कौन कर रहा था सनलाइट, कहाँ पर हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, सरकार हो रही थी, क्या हो रही थी सरकार जटिलों के रूप में, और साथ में जल और साथ में ऑक्सीजन। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो अभिक्रिया है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कि जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो CO2 होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, तो पूरी अभिक्रिया को प्रभावित करने का काम करती है। इसी को क्या कहते हैं, सीमाकारी सिद्धांत कहते हैं। इसने दिया एफ एफ ब्लेकमैन ने दिया। एक साइंटिस्ट एक और की बात करें, जैसे यहाँ पर CO2 की बात करें, यहाँ पर जल की, कौन साइंटिस्ट, हिल रिएक्शन ने क्या बताया कि भाई जो अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है, वो जल के ऑक्सीकरण होने से बनती है। क्या बनती है, जल के ऑक्सीकरण होने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, किसने, हिल ने। एक साइंटिस्ट थे कैल्विन और बेंसन। इन्होंने कैल्विन और बेंसन ने क्या दिया कि पादप के अंदर सी थ्री चक्र को समझाया। ये अपन सी थ्री चक्र के आगे नेक्स्ट बात करेंगे। और एक साइंटिस्ट और थे, जैसे अपन बात करें हेज की बात करें, हेज ने क्या किया था, गन्ने के पादप के अंदर सी फोर साइकिल को समझाया था।
किसके अंदर, गन्ने के पादप के अंदर सीपो साइकिल को समझाया था किसने, एच ने। इस प्रकार की स्थिति की बात करें, स्थिति की बात हुई। अब अपन बात करें जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो होती कहाँ पर है, वहाँ पर यह संपन्न हो रही है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो उसकी बात करें तो अपन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में अपना जो नया टॉपिक है इसी का, फोटोसिंथेसिस का साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। इसकी बात है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, जो प्रकाश संश्लेषण के स्थल की बात करें, जैसे अपन कहते हैं प्रकाश जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पौधों क्या होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं उत्तक। यदि अपन उत्तक की बात करते हैं उसमें पाया जाता है प्रणमध्योतक, क्या पाया जाता है प्रणमध्योतक, जो कुछ वर्गीय जो पादप होते हैं, जो कुछ वर्गीय जो पादप होते हैं, जो हरे पादप होते हैं उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है प्रणमध्योतक पाया जाता है। इन प्रणमध्योतक की किसी एक कोशिका की बात करें, इसकी बात करें किसी एक कोशिका की बात करें, ठीक है, एक कोशिका जिसको अपन क्या बोल सकते हैं प्रणमध्योतक कोशिका, क्या बोलते हैं उसको प्रणमध्योतक कोशिका। इस प्रणमध्योतक कोशिका में लगभग 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरी कलर के पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ पर जाता है, जहाँ पर पौधे के जो हरे भाग होते हैं और तो उन हरे भागों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे क्लोरोप्लास्ट की संरचना की अपन बात करें, इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करते हैं, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को क्या होता है दोहरी झिल्ली आवरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोहरी झिल्ली आवरण पाया जाता है। जैसे अपन इसको नाम दें, ये क्या है बाहरी झिल्ली, कौन सी है बाहरी झिल्ली, और ये कौन सी है आंतरिक झिल्ली, कौन सी है आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, ठीक है। ये जो दोनों झिल्लियाँ हैं बाहरी झिल्ली और जो आंतरिक झिल्लियाँ हैं, ये जो दोनों झिल्लियाँ हैं वो क्या होती हैं लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, कौन सी प्रोटीन की लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, दोनों झिल्लियाँ लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है एक तरल पाया जाता है, और ये जिस स्थान में पाया जाता है उस स्थान को बोलते हैं अंतराजलीय अवकाश या अंतराकला अवकाश, ठीक है। ये अवकाश का काम करता है पौधे को बाह्य आघातों से सुरक्षा करने, सॉरी क्लोरोप्लास्ट को बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम में करता है, कौन अंतरकला अवकाश में के मध्य पाए जाने वाला तरल भाग। अब इसके स्ट्रोमा में जो भी क्लोरोप्लास्ट है, क्या है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात करें, इंटरनल आंतरिक संरचना की बात करें, तो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं दो भाग, पहला भाग होता है स्ट्रोमा, पहला भाग कौन सा होता है स्ट्रोमा, दूसरा भाग होता है ग्रेना, दूसरा कौन सा होता है ग्रेना, कितने भाग होते हैं इसके दो भाग होते हैं स्ट्रोमा और ग्रेना। अब देखो स्ट्रोमा क्या होता है, जो इंटरनल जो आंतरिक संरचना के अंदर की खाली जो भी स्थान है उसमें क्या होता है मैट्रिक्स बना रहता है, क्या बना रहता है मैट्रिक्स पाया जाता है, मैट्रिक्स आधात्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या 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 पाया जाता है, एक तो अपन कहते हैं राइबोसोम होता है, मतलब राइबोसोम में कौन सा 70S प्रकार का, कौन सा 70S प्रकार का राइबोसोम, डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, लिपिड के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं लिपिड के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है एंजाइम्स, कौन कौन से 70S प्रकार का राइबोसोम, क्या पाया जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम और डीएसए मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, और लिपिड, और लिपिड के साथ ये जो लिपिड होती है वो क्या होती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में पाई जाती है, इसके रूप में छोटी छोटी बूंदों के रूप में पाई जाती है, और साथ में क्या होता है इनमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं
एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स भाग है, मतलब आधात्री भाग का निर्माण करते हैं ये, और इस भाग को, मैट्रिक्स वाले भाग को अपन कहते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स वाले भाग को कहते हैं स्ट्रोमा, कहते हैं मैट्रिक्स वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में पाया जाता है क्या क्या, राइबोसोम, डीएनए, लिपिड जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, और एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रेना भाग की। ग्रेना भाग में देखो, इस ग्रेना भाग में या स्ट्रोमा भाग में एक नलिका तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नलिका तंत्र, नलिका तंत्र। और उस नलिका तंत्र का निर्माण करने के लिए जो निर्माण होता है वो अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, सिक्के के समान या थाली के समान, नाम याद होगा थाली के समान, क्यों देखो थाली के समान संरचना होती है, उसको बोलते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, नली तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, थाइलेकोइड के द्वारा नली तंत्र का निर्माण होता है। और जो ये थाइलेकोइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सिक्कों की ढेरी के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। जैसे इस प्रकार से, ऐसे ये सिक्कों की ढेरी, इस प्रकार से थाइलेकोइड होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। थाइलेकोइड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थाइलेकोइड पाए जाते हैं, सिक्कों की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से आप इतिहास के वो, ठीक है, ये सिक्कों की ढेरी के रूप में। अब ये तो थाइलेकोइड जो ढेरी बना रहे हैं, जो ये एक के ऊपर एक परत की संरचना बना रहे हैं, इस परत की संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रेना, क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। तो देखो दूसरा भाग कौन सा था, ग्रेना भाग। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रेना है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब देखो एक दूसरे से जिस संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं वो छोटी छोटी पट्टियों के द्वारा, जो पट्टी है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। इस प्रकार से ये एक दूसरे से पट्टियों के द्वारा जुड़े होते हैं। इन पट्टिकाओं को बोलते हैं स्ट्रोमा पट्टिका, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा पट्टिका, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा पट्टिका। तो ग्रेना या ग्रेनम स्ट्रोमा पट्टिका के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब एक देखो, अभी अपन बात कर रहे थे ब्लेकमैन की, बात कर रहे थे ब्लेकमैन ने क्या बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया हो रही थी, मतलब नॉर्मली फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में ब्लेकमैन ने कहा था कि भाई ये जैव रासायनिक क्रिया है जो दो प्रकार से संपन्न होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय, मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, कहाँ पर होती है, ग्रेना भाग में क्या होती है, जहाँ पर इस जगह में क्या होती है, लाइट रिएक्शन और प्रकाशीय अभिक्रिया। और जो ये जो बाकी वाला जो मैट्रिक्स वाला जो भाग का जो स्ट्रोमा भाग है, उस स्ट्रोमा भाग में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखो जो थाइलेकोइड है, नलिका तंत्र बना रहा है, किसी छोटा सा उसमें नलिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो थाइलेकोइड्स के द्वारा। ठीक है, अब जो थाइलेकोइड्स होते हैं, थाइलेकोइड्स के द्वारा क्या पाए जाते हैं, प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक मतलब पिगमेंट। ठीक है, तो जो ये प्रकाश वर्णक होते हैं, नॉर्मली जो इसकी जो भित्ति होती है, बाहरी जो भित्ति होती है थाइलेकोइड्स की, जो भित्ति होती है, जैसे एक भित्ति की बात करें, जैसे ये थाइलेकोइड्स, ठीक है, ये इसके अंदर की भित्ति, तो थाइलेकोइड्स में होता क्या है, दो प्रकार के थाइलेकोइड्स की जो भित्ति होती है उसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोफिल, कौन सा, क्लोरोफिल, दूसरा कैरेटिनोइड, दूसरा कौन सा होता है, कैरेटिनोइड। तो क्लोरोफिल और कैरेटिनोइड क्या होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन सा, क्लोरोफिल और दूसरा कौन सा है, कैरेटिनोइड, कैरेटिनोइड। ठीक है, कैरेटिनोइड। तो ये जो वर्णक है वो क्या काम करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करने का काम, और जो प्रकाश जो अवशोषित करते हैं, कौन सा प्रकाश करते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि
जो प्रकाश होता है अपन उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में जिस प्रकाश की 400 से 700 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है दृश्य स्पेक्ट्रम में, उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में कि जो कलर होते हैं वो होते हैं बैंगनी, नीला और लाल। कहने का मतलब ये जो प्रकाश वर्णक होते हैं जो मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल जो कैरेटिनॉइड होते हैं वो क्या करते हैं, बैंगनी, नीले और लाल रंग को अवशोषित करने का काम करते हैं। अब यदि कि प्रकाश वर्णक की और भी यह थायलेकोइड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो थायलेकोइड्स में देखो क्या होता है कि मैं जो प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही थी, जो प्रकाश अवशोषण की जो अभिक्रिया हो रही थी वो होती कहाँ पर है, थायलेकोइड्स में होती है। और ये थायलेकोइड्स आगे किसका निर्माण करते हैं, ग्रेना का। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की ढेरी के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ग्रेना या ग्रेनम का निर्माण करते हैं। अब जैसे देखो इसके पिगमेंट की बात करें, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की बात करते हैं, मतलब इसके वर्णकों की बात करते हैं, प्रकाश वर्णकों की बात करते हैं। और देखो जो प्रकाश वर्णक होते हैं, ये जो प्रकाश वर्णक होते हैं मुख्यतः इस प्रकार से, जैसे ये थायलेकोइड्स अंदर की तरफ क्या था, थायलेकोइड्स, ठीक है। तो थायलेकोइड्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आंख की संरचना होती है, उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण। इन कणों को बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। ये जो क्वांटोसोम होते हैं ये ही क्या काम करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं। अब इन जो क्वांटोसोम होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। क्वांटोसोम के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। जैसे देखो पहला कौन सा पाया जाता है, पहले की बात करें अपन तो पहला होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है, क्लोरोफिल। पहला वर्णक कौन सा, क्लोरोफिल। यदि दूसरे की बात करें तो कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड। और तीसरे की बात करें तो फाइब्रोग्लिन्स, फाइब्रोग्लिन्स। और एक मतलब बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, क्विनोन। क्या पाया जाता है, क्विनोन। लेकिन अपन मेन रूप से ये जो तीन होते हैं वही क्या होते हैं, मेन रूप से जो रंग प्रदान करने का काम करता है, जो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है, या जो आगे सभी हरे पात्रों में पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अपन क्लोरोफिल की बात करें तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, सभी हरे पात्रों में, मतलब सभी ग्रीन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं सभी में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 7 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और अगला है डैक्टिलियो, डैक्टिलियो बी, और एक और है डैक्टिलियो, डैक्टिलियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब देखो जो क्लोरोफिल है, जैसे क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए देखो क्या होता है, क्लोरोफिल ए सामान्यतः सार्वत्रिक बोला जाता है, सार्वत्रिक वर्णक। क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक वर्णक। तो कहने का मतलब सभी हरे पादपों में पाया जाने वाला, इसमें पाया जाने वाला सभी हरे पादपों में पाया जाने वाला कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। तो इसलिए शॉर्ट में अपन शॉर्ट में लिखे चले इसको जी से रिप्रेजेंट करें, इससे रिप्रेजेंट करें जी से, मतलब ग्रीन प्लांट्स में रिप्रेजेंट, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल जो बी है से क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, सहायक, सहायक मतलब सभी के साथ पाया जाएगा, सहायक वर्णक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सहायक वर्णक, सहायक वर्णक क्यों कहते हैं, ये मतलब नॉर्मली सभी के हो जाता है कि हाँ ये सहायक वर्णक है, लेकिन किसी को बहुत कम को ये पता होता है ये सहायक वर्णक क्यों होता है। तो इसका देखो रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी जो विलयता है, जो जल में जो विलयता है वो क्या होती है, जल में विलयता बहुत ज़्यादा होती है, जल
मिलता जो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये सभी के साथ पाया जाता है। तो हम इसको क्लोरोफिल बी को क्या बोलते हैं, सहायक वर्णक कहते हैं। और एक जो क्लोरोफिल जो सी है, तो क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है। जो क्लोरोफिल सी है वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। और जो डी है वो रेड एल्गी, इसमें लाल शैवाल में, ये नीली हरी शैवाल में, ये लाल शैवाल में। और ये जो ई है वो जो जेंथोफाइट्स जो पाला हुआ है, जिसको अपन जी एच जेड से भी पढ़ जाते हैं, जैसे फॉर्मूला बनाया अपन जी बी आर जेड, जी बी आर जेड, ठीक है। जैसे एक फाइल का नाम होता है सी बी आर जेड, वैसे इसको याद रखें सी बी आर जेड, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ई है वो जेंथोफाइट्स पाथवे में पाई जाती है या पाया जाता है। और जो लास्ट वाले जो बैक्टीरियम विरिडिन और जो बैक्टीरियम जो क्लोरोफिल है, ये उन बैक्टीरियो में क्लोरोफिल की जो संरचना होती है वो एक प्रकार से ध्रुवीय संरचना होती है। कैसी तरह संरचना होती है, ध्रुवीय संरचना, जिसके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों कांबे आते हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों कांबे आते हैं। ये चारों मिलकर क्या काम करते हैं, पोरफायरिन वलय का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं पोरफायरिन। कहने का मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो एक प्रकार का ध्रुवीय अणु होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय, जिसमें क्या होता है, जल रागी सिरा भी होता है और जल विरागी सिरा। मतलब कहने को इसमें जो सिर भाग होता है, जो जल विरागी है, जो जल रागी होता है उसका पूंछ सिरा होता है। जो जल जो शीर्ष भाग है, जो सिर भाग है, उसमें क्या पाई जाती है, और फायरिंग बल्ले पाई जाती है। और फायरिंग बल्ले क्या पाई जाती है, और फायरिंग बल्ले पाई जाती है। इस बल्ले में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, ट्रेट्रा बल्ले के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ, ट्रेट्रा बल्ले या ट्रेट्रा फायरिंग बल्ले के साथ जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, मेन चीज पोर फायरिंग बल्ले के मध्य मैग्नीशियम के मध्य क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ये क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लेते हैं कि भाई क्लोरोफिल में कौन सा आयन पाया जाता है, क्लोरोफिल बल्ले में कौन सा आयन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम। और इसका निर्माण क्या होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। ये होगी क्लोरोफिल की बात। अब अपन बात करते हैं कैरोटेनॉइड, इसकी बात करते हैं। कैरोटेनॉइड की यदि बात करें तो जो कैरोटेनॉइड होता है वो क्या काम करता है कि भाई ऐसे प्रकाश का अवशोषण करता है, इसका ऐसे प्रकाश का अवशोषण करता है जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित न हो, जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित न हो। तो ये नॉर्मली कैरोटेनॉइड होता है, क्या करता है, पादपों के अंदर, वो भी इसमें, ये भी किसमें, हरे पादपों के अंदर पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार, कौन कौन सा, कैरेटीन, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा, देखो कैरेटीन और दो नंबर जेंथोफिल, जेंथोफिल, ठीक है। जो कैरेटीन होता है, सिंपल है, कैरेटीन होता है जो लाल रंग का होता है, तो ये जो कैरेटीन जो वर्णक होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का वर्णक होता है। तो जो जेंथोफिल है वो भूरे रंग का होता है, कैसा होता है, भूरे रंग का। और जो कैरेटीन है, कैरेटीन का निर्माण कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है C4H56, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र, किसका, कैरेटीन का। और ये जो कैरेटीन है नॉर्मली अपन इसमें गाजर के अंदर अपन बात करें तो गाजर में क्या पाई जाती है, कैरेटीन पाई जाती है। और जो कैरेटीन है, ये उदाहरण की इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, कैरेटीन का एग्जाम्पल क्या है, अल्फा कैरेटीन और बीटा कैरेटीन, अल्फा कैरेटीन और बीटा कैरेटीन, ये क्या इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लाल, लाल रंग का CHO, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है,
और एग्जांपल है अल्फा केरोटीन और बीटा केरोटीन, होता किसमें है गाजर में, इसमें फायदा क्या है गाजर में। अब वो तो जैंटोफिल है कैसा रहता है भूरा रंग, और इससे निर्माण किसके द्वारा कार्बन हाइड्रोजन और साथ में से ऑक्सीजन आ जाता है, साथ में क्या जाता है ऑक्सीजन। जैसे इसके रासायनिक सूत्र की बात करें H6O2, ठीक है, ये इसका क्या है जैंटोफिल का रासायनिक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में ल्यूटीन और जियोजेंटीन, जियोजेंटीन और नियोजेंटीन, नियोजेंटीन जियोजेंटीन और ल्यूजेंटीन और ल्यूटीन, ये क्या होता है जेंटोफिल के क्या होता है उदाहरण होता है। अब एक चीज छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्मली जो हरे पादप होते हैं, कौन से जो हरे पादप होते हैं, उन हरे पादप में क्या होता है जो कैरोटीन होते हैं, जो अल्फा कैरोटीन और जो ल्यूटीन होता है, अल्फा कैरोटीन और जो ल्यूटीन होता है, अल्फा कैरोटीन और जो ल्यूटीन होता है, वो सभी हरे पादपों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं सभी हरे पादपों में पाए जाते हैं। तो ये इसकी बात हुई कैरोटीनॉइड की बात हुई। अब बात करते हैं हम फाइटोग्लिन्स की, इसकी बात करते हैं फाइटोग्लिन्स की बात करते हैं। जो फाइटोग्लिन्स है कौन है, जो फाइटोग्लिन्स है वो क्या होता है लाल नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। किनमें पाया जाता है लाल नीले हरे शैवाल में क्या पाया जाता है, कौन सा प्रकाश अंदर पाया जाता है फाइटोग्लिन से पाया जाता है। और ये जो फाइटोग्लिन होता है वो दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का, पहला फाइटोइरिथ्रिन, फाइटोइरिथ्रिन कौन सा होता है फाइटोइरिथ्रिन। ये फाइटोइरिथ्रिन क्या काम करता है लाल शैवालों में पाया जाता है, लाल रंग का होता है, कैसा होता है लाल रंग का होता है और लाल शैवालों में पाया जाता है, पाया जाता है लाल शैवालों में पाया जाता है कौन फाइटोइरिथ्रिन। और यदि इसकी बात करें फाइटोसाइलिन, दूसरा बोल सकते हैं फाइटोसाइलिन, दूसरा बोल सकते हैं फाइटोसाइलिन, ये जो फाइटोसाइलिन है वो इसमें नीले हरे शैवालों में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो दो चरणों में होती है, प्राकाशिक अभिक्रिया और अप्राकाशिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन उन क्रियाओं की बात करेंगे, तो हमारे जो ये चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।